सीधा क्वेश्चन शोर ऑन द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, फिर यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पढ़ा जाओ। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे थे, यहाँ से देखो। क्वेश्चन आस्किंग यू द ऑर्डर ऑफ पावर। हमारे पास सर्किट दे रखा है ए बी सी डी, ओके। चारों अरेंजमेंट में अपन को पावर को अरेंज करना है। सो सिंपली, किसमें पावर ज्यादा होगा, किसमें कम होगा, है ना। कंडीशन ये कि सब में आई करंट जा रही है ना, दैट इज द गुड थिंग। ये सब में करंट आई है, तो हमने क्या कर दिया है, करंट को कांस्टेंट कर दिया, आई को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। पावर का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा, पावर इक्वल टू क्या होता है सर, आई स्क्वायर आर। तो आई कांस्टेंट होगा, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो मतलब पावर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। जिसमें आर की वैल्यू ज्यादा होगी वहां पर पावर ज्यादा हो जाएगी, जिसमें आर की वैल्यू कम होगी वहां पर पावर सबसे कम होगी। सिंपल, जितने भी रेसिस्टर है सारे आर आर रेसिस्टर्स है ना, सब पे आर आर है, आर आर। तो फोर्थ वाले का तो देख करके तुम कह रहे हो कि फोर्थ वाले का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा, तुम्हारे पास 3R हो जाएगा, ठीक है। थर्ड वाले में कर लो पहले, थर्ड वाले में देखो R बाय 3 हो जाएगा, है ना, R बाय 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देख करके तुम्हें लग रहा है PD ग्रेटर देन PC होगा, पावर ऑन D जो होगा सर्किट में, ओके, वो PC से ज्यादा होगा। PD ग्रेटर देन PC, PD ग्रेटर देन PC थर्ड हो सकता है, PD ग्रेटर देन PC फोर्थ भी हो सकता है, PD ग्रेटर देन PC सेकेंड भी हो सकता है। इससे एलिमिनेट नहीं कर पा रहे, चलो आ जाओ। इसमें देखो यहां पर क्या है, आर आर टू आर, टू आर और आर के साथ क्या है तुम्हारे पास पैरेलल में है, ठीक है। टू आर इंटू आर, टू आर प्लस आर 3R, है ना। ये क्या हो गया, 2/3R हो गया, है ना, बताओ ये क्या हो गया, 2/3R। तो B तुम्हारे पास आ गया 2/3R, ठीक है। अब तुम्हारे पास क्या बच रहा है, ए बच रहा है ना। तो ए का क्या हो जाएगा बताओ, ए आर बाय आर, आर बाय आर आर, आर बाय टू, आर बाय टू प्लस आर 3R/2। तो ए का आ गया 3/2R, है ना। तो अब यहीं पर मैं अरेंज कर देता हूं इक्विवेलेंट को, उसके बाद ऑर्डर निकाल लेना, है ना। तो देखो सबसे ज्यादा तुम्हारे पास किसका रेसिस्टेंस है, डी का है, तो पावर सबसे ज्यादा कहां होगा, डी पे होगा। तो पावर एट डी सबसे ज्यादा होगा, ये भी गलत है ना, ये भी गलत है ना। तो इधर वन और इधर फोर्थ, दोनों में से कोई एक करेक्ट कर लो, ठीक है। अब देखो 3R से जस्ट पहले का देखो क्या है, ये तुम्हारे पास क्या है 0.33, ये 0.663 बाय 1.5, ये पावर ऑफ ए। तो डी से पहले ए का आएगा, डी से पहले ए का आएगा, तो फोर्थ तुम्हारा करेक्ट हो जाए, बाकी तुम रीअरेंज करके चेक कर लो। सबसे ज्यादा देखो सी का आ रहा है ना, सी का सबसे 1/3, 0.33 आ रहा है ना। सो इफ यू ऑब्जर्व हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चंस, ओके, जेईई मेंस के नीट का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, अगर तुम्हें लगता है कि कैसे अप्रोच करना क्वेश्चंस को, कैसे एक्यूरेसी के साथ करेक्ट आंसर तक पहुंचना है, समझ रहे हो मेरी बात को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करके करेक्ट आंसर तक पहुंच करके अपना सिलेक्शन ले लेना। मैं तुम्हारी सिलेक्शन की बात कर रहा हूं, किसका सिलेक्शन हो रहा है, किसका नहीं हो रहा है, किसका फोटो आ रहा है, किसका नहीं आ रहा है, किसका फोटो आया, किसका गया, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं तुम्हारे सिलेक्शन की बात कर रहा हूं, तुम्हारा फोटो आ रहा है कि नहीं, तुम्हारा सिलेक्शन आ रहा है, तुम्हारा रैंक आ रहा है, तेरे को गुड कॉलेज मिल रहा है कि नहीं, तेरा ड्रीम पूरा हो रहा है कि नहीं, तेरे से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं, तेरे से करेक्ट आंसर आ रहा है कि नहीं, तेरे को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर तेरे को ऐसा लग रहा है तो ट्राई टू शेयर ऑल दिस सेशंस विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।